नमस्कार जेके न्यूज पॉइंट के फेसबुक लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। और जिस तरह अगर आज की बात करें तो जम्मू से 6 पॉजिटिव केसेस सामने आए थे और उन्हीं में से जो हैं 4 पॉजिटिव केसेस जो हैं डिगियाना से सामने आए थे। तो क्या कुछ हिस्ट्री है इन लोगों की, तो जानते हैं। हमारे इस वक्त चैनल हेड विनोद कुमार जी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो विनोद जी, आपसे जानना चाहूंगी, अगर आज तो जम्मू से 6 पॉजिटिव केसेस सामने आए थे। आपको बता करता हूँ, बिश्नाह से जी। बिश्नाह के 2 पॉजिटिव केस आए हैं। ये अपने बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए एम्स में गए हुए थे। एम्स से 13 तारीख को ये वापिस आए हैं। 13 तारीख को वापिस आने के बाद इनको क्वारंटाइन किया गया, इनकी सैंपलिंग की गई, और सैंपलिंग के बाद जो हस्बैंड और वाइफ हैं दोनों ही पॉजिटिव आए हैं, और बच्चे का अभी सैंपल नहीं आ पाया है। जी। इतने दिनों से बच्चा उनके साथ था, 3 मुझे जी। लगता है कि हो सकता है कि ही आएगा, मुझे लगता है जिस तरीके से आए। दूसरा, 4 डिगियाना से, वो प्रीत नगर वाला जो एपिसोड आपको पता होगा, जब 2 ईयर के व्यक्ति की डेथ हो गई थी इस वायरस के बाद। लेकिन उस परिवार ने भी बड़ा अच्छा किया कि उन्होंने पहले कहा कि इनकी सैंपलिंग हो जाए, में भी थोड़ा डाउट ना रहे, और उसकी वजह से 4 और लोग आए हैं। इन 4 लोगों में 2 मेल हैं और जिनकी एज 39 है एक, और दूसरी की एज जो है 60 ईयर बताया जाता है, और फीमेल जो है उसकी एज जो है 35 बताई जाती है, और एक बेटी बच्ची बताई जाती है जिसकी एज 4 साल है। ये सारे के सारे, और ये पॉजिटिव इसलिए आए हैं क्योंकि वो उनके संक्रमण में आए थे, इसलिए उनको पॉजिटिव हुआ। जी बिल्कुल विनोद जी, यही कि वो उनके कांटेक्ट में आए मेंबर्स हैं। जी बिल्कुल, ये नहीं कहा जा सकता, उनके पड़ोस में भी हो सकते हैं, लेकिन उनके परिवार ही माने जाएंगे, रिश्तेदार माने जाएंगे, क्योंकि आसपास में रहते थे, सारे घर इनके रिलेशन में ही है, तो हो सकता है उनको। क्योंकि आपको मैं बता दूं, कुछ रोज पहले मैं वहाँ गांधीनगर हॉस्पिटल में गया था, 2 दिन पहले, तो वहाँ पर पूरा मोहल्ला प्रीतनगर आया हुआ था, सबकी सैंपलिंग की जा रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये इतनी अलर्टनेस है कि कहीं ना कहीं कोई चीज, हर एक चीज को प्लग किया जाए, कोई चीज कोई बोलना रह जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट 4 लोग पॉजिटिव आए। बिल्कुल विनोद जी, वहीं अगर बात करें, लॉकडाउन फेज 4 जो है कल से शुरू होगा, आज लॉकडाउन फेज 3 का आखिरी दिन था और नई गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। वहीं अगर बात करें, जिस तरह MHA ने भी कहा है कि जो जम्मू कश्मीर UT हो या फिर स्टेट हो, वही प्रशासन जो है तय करेगी कि कौन सी जगह जो है रेड जोन में आएगी, ग्रीन जोन में आएगी। तो वहीं बात करें तो क्या लगता है अब लॉकडाउन फेज 4 का जो है कितना पालन हो पाएगा, और ग्राउंड लगातार अगर बात करें तो लॉकडाउन फेज 3 में भी देखा गया था कि मूवमेंट जो है काफी ज्यादा थी, और अगर आंकड़ों की भी बात करें तो लगातार आंकड़े भी जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में भी बात करें केसेस दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी जसलीन, एक तो चीज है कि जो चीजें पहले से तय हैं उनमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होना है। जैसे किराना की दुकानें हैं, फल फ्रूट सब्जी की दुकानें हैं, दूध दही की दुकानें हैं, केमिस्ट शॉप है, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होना है। और बाकी जो है वो सारी चीजें डिपेंड करती हैं, उन्होंने जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उन्होंने कह दिया कि आप जो कंसर्न स्टेट है, कंसर्न UT है, वही डिसाइड करेगी। अब मुझे लगता है कि रिसेंटली अभी अभी ये गाइडलाइंस आई है, तो थोड़ी देर में स्टेट की गाइडलाइंस भी जारी हो जाएंगी, जिसमें पता चलेगा कि क्या क्या सैलून खुल सकते हैं या नहीं खुल सकते। हालांकि ये कि सैलून नहीं खुलेंगे, इंटर स्टेट फ्लाइट्स नहीं चलेंगी, दूसरे जो दीगर चीजें हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर, वो नहीं खुलेंगे, तो थोड़ी देर में स्टेट यानी UT की गाइडलाइंस भी आ जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगर बात करें इस वक्त की, हम आपको अपडेट बता रहे थे कि जम्मू से जिस तरह 6 पॉजिटिव केसेस जो हैं बुलेटिन में सामने आए थे, तो आपको बता दें 2 जो है बिश्नाह से सामने आए, और वहीं जो प्रीतनगर से सामने आए, क्योंकि हम सब जानते हैं वहां से व्यक्ति की मृत्यु हुई थी और उसी के कांटेक्ट में जो सदस्य आए थे, तो उनमें जो है 4 पॉजिटिव केसेस जो हैं इस वक्त डिगियाना के प्रीतनगर से सामने आए हैं। तो लगातार बात करें जम्मू कश्मीर की, तो आंकड़ा जो है इस वक्त अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर का, आंकड़ा जो है 1183 पहुंच चुका है। वहीं जो है आज 62 मामले जो है केसेस जो है सामने आए थे। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अनंतनाग से आज 15 केसेस सामने आए थे, वहीं श्रीनगर से 1 केस सामने आया था, कुलगाम से 28 केसेस सामने आए थे, वहीं शोपिया से भी 1 केस सामने आया था। वहीं अगर बात करें पुलवामा
6 केसेस सामने आए थे, और 6 केसेस में से अगर बात करें तो 2 जो हैं बिश्ना से सामने आए और 4 जो हैं प्रीत नगर डिगियाना से जो केसेस सामने आए हैं। वहीं उधमपुर से भी आज 1 केस सामने आया था, और कठुआ से भी, और रामबन की भी बात करें तो रामबन से भी जो है 5 केसेस सामने हैं, और वहीं सांबा से भी 2 और पुंछ से भी 1 जो कि कल का केस सामने आया था। तो इस वक्त अगर जम्मू कश्मीर की आंकड़े की बात करें तो 1183 जो है जम्मू कश्मीर का पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा पहुंच चुका है, जिसमें से अगर एक्टिव पॉजिटिव केसेस की बात करें तो 595 जो है अभी भी एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं। वहीं आज की रिकवरीज की भी बात करें तो आज 33 रिकवरीज भी सामने आई हैं। वो कहां कहां से आई हैं वो भी मैं आपको एक बार बता देती हूं। अनंतनाग से आज 7 रिकवरीज सामने आई हैं। वहीं श्रीनगर की बात करें तो 12 रिकवरीज श्रीनगर से सामने आई हैं। कुलगाम से 3 रिकवरी सामने आई हैं। वहीं शोपिया से भी 11 रिकवरी सामने आई हैं। तो कुल आज 33 जो है रिकवरीज जो है सामने आई हैं। वहीं कुल रिकवरीज की भी बात करें तो 575 जो है कुल रिकवरी सामने आई हैं। और डेथ टोल की भी बात करें तो आज हम सब जानते हैं एक और डेथ भी हुई है कश्मीर से, और अब डेथ टोल की भी बात करें तो 13 जो है डेथ टोल इस वक्त जम्मू कश्मीर यूटी का टोल जो है पहुंच चुका है। तो लगातार केसेस में बढ़ोतरी नजर आ रही है, हर दिन नए केसेस आंकड़ा जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जरूर ये बात भी है कि रिकवरीज भी सामने आ रही लंबी है, तो हम सभी को एहतियात बरतने की सबसे ज्यादा जरूरत, अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। मास्क के साथ बाहर जाना, पब्लिक प्लेसेस में अगर बाहर शॉप्स में भी जाते हैं तो डिस्टेंस हम मेंटेन करें, क्योंकि लगातार MHA की गाइडलाइंस में भी ये कहा गया है, और उसमें स्पेशली ये भी मेंशन किया गया है कि जो 65 ईयर्स ओल्ड जो लोग हैं, या फिर जो बच्चों की बात करें अराउंड 10 ईयर्स की, और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो उन सभी को बहुत ज़्यादा जो है ध्यान रखना है, घर से बाहर नहीं निकलना अनटिल की उनकी कोई इमरजेंसी है, हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ इमरजेंसी है, तभी जो है वो घर से बाहर, वरना उन्हें जो है घर रहने की ही जो है सलाह दी गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों की और जो गाइडलाइन सामने आती हैं उन पर जो है ध्यान से उन्हें फॉलो भी करें और उन पर अमल भी हों, क्योंकि लगातार की ओर से ऑर्डर्स तो सामने आते हैं पर हम उस पर कितना अमल करेंगे और कितना सहयोग देंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैटर करता है। तो देखना होगा कि अब यूटी की, हमारे यूटी जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से क्या कुछ गाइडलाइंस सामने आएंगी, क्योंकि MHA की तरफ से तो गाइडलाइंस दे दी गई है, और MHA ने ये साफ कहा है कि जो आपकी स्टेट या यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन होगी वही डिसाइड करेगी कि आपके वहां पर कौन सा एरिया रेड जोन में होगा, ग्रीन जोन में होगा, ऑरेंज जोन में, अगर क्या कुछ रिलैक्सेशन जो हैं दी जाएंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन ही डिसाइड करेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखना होगा कि क्या कुछ जो है यूटी से सामने आता है एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से। तो लगातार इस वक्त की अपडेट हम आपको बता रहे थे, जम्मू में जो 6 केसेस आज सामने हैं जिसमें से 2 बिश्ना से आए हैं और 4 जो हैं प्रीतनगर डिगियाना से सामने आए हैं। तो फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही, और बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए JK News Point के साथ।